हेलो गाइस, मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सुपर प्लेयर चैनल। तो बेसिकली आज से दिसंबर 17 एंड मैं जा रहा हूँ ओडिशा, बेंगलोर टू ओडिशा। तो ये ट्रिप में मैं अकेला नहीं, मेरा दोस्त भी है सूर्या, एंड दोनों हम मिलके जाने वाले हैं। गरीब रथ ट्रेन है हमारा, एंड आज पूरा ही हमारा जो रूम पूरा लग करके हमको जाना है। तो हमने अपना दोनों भाइयों को बुलाया था इधर। क्या भाई अपना नाम बताओ? अजीत देवाशीष। तो देवाशीष एंड रजित आए हैं कि हमारा रूम का जो चाबी हमको हैंडओवर करना है उन लोग को, क्योंकि हमारा रूममेट कभी भी आ सकते हैं। तो कुछ चोरी भी हो सकता है बोल रहा है मेरा दोस्त तो ऐसा कुछ है गाइस। तो आज चाबी हैंडओवर करके हम निकलते हैं। अभी टाइम हो गया है लगभग 6:40 PM, तो 7 बजे हमको निकलना है इधर से। तो चलते हैं एंड पूरा बैक टू बैक जो अप टू बेंगलुरु टू बरहमपुर पूरा ही जर्नी है गरीब रथ का, बैक टू बैक आएगा। तो देखिए, तो फ्रेंड्स टाइम हो गया लगभग 7:30 एंड हम लोग अभी निकलने वाला है माराथली से। एंड अभी हमने 2 कैब 3 कैब बुक किया लेकिन सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा अभी रैपिडो से ओला से फाइनली अभी हमारा कैब बुक हो गया गैस। तो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी हम लोग निकलने वाले है। तो डायरेक्टली अभी जाके मिलेंगे ट्रेन में गैस। तो फ्रेंड्स 8 PM हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया था, देख सकते हैं कि। एंड अभी जो हमने जी ऑटो में आया था गाइस, ये ऑटो पूरा दबंग स्पीड में ही पूरा उड़ा के लेकर आया एंड पूरा ही 22 किलोमीटर एक घंटा में सफ़र करके हमको पहुंचा दिया यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे। एंड मैं गाड़ी से उतर चुका हूँ एंड उतरने के बाद इसी टाइप का कुछ गेटअप था मेरे पास एंड दो ही कैरी बैग था। एंड देख सकते हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से जो गरीब रथ का ट्रेन है गाइस, तो ये शनिवार का रहता है ये ट्रेन ओनली। एंड जो छोड़ने का टाइम रहता है गरीब रथ का नाइट 10:40 PM पे। एंड ऑलरेडी हम लोग आज के पहुंच चुके हैं जो रेल हमारा था। एंड हमारा जो सीट अलॉटमेंट हुआ था G12 कोच में पूरी यशवंतपुर सुपरफास्ट ये जो गरीब रथ है एंड एंटायर 10 ग्रेस की ये पूरा ही 3rd AC में आता है। तो अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ ट्रेन के अंदर एंड ट्रेन के अंदर आने के बाद मुझे इसी टाइप का कुछ सीन देखने के लिए मिल रहा है। एंड पहले से भी मेरा दोस्त सूर्या आ गया था ट्रेन के अंदर। तो अभी जो हमारा प्लान अभी करेंगे कि हम डिनर का प्लानिंग, तो चलते हैं अभी डिनर स्टार्ट करते हैं। एंड डिनर स्टार्ट करने के बाद फिर हमारा जो ट्रेन 10:40 में अभी इधर से निकलने वाला है। तो हमने अभी बाहर से कैरी पार्सल कर दिए थे, तो अभी हमारा डिनर चल रहा है गाइस। एंड टाइम भी हो गया है लगभग 10:40 PM एंड हमारा जो गरीब रथ एक्सप्रेस था यशवंतपुर पूरी, तो अभी स्टेशन से रवाना हो चुका है गाइस। देख सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है एंड परफेक्ट टाइम जो 10:40 PM था परफेक्ट टाइम में ही स्टेशन से निकला था हमारा ट्रेन। एंड अभी तो पूरा एक्साइटमेंट में चल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आज जो मैं जा रहा हूँ घर पूरा ही 20 डेज का छुट्टी लेके जा रहा हूँ। तो देखेंगे पूरा प्लानिंग कैसा आएगा पूरा। तो देखिए कि अभी ट्रेन छोड़ने के बाद पूरा यात्री सोने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो सोने के लिए पूरा AC में ये जो बेड शीट कंबल मिल रहा है, तो ये फैसिलिटी मिल जाएगा आप लोग को। तो मैं भी मेरे लिए बेड शीट एंड कंबल लेके आ चुका हूँ एंड अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। तो गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे। तो सुबह हो गए नियर बाई 8:30 AM। तो ऑलरेडी 1 नाइट मेरा खत्म हो गया गरीब रथ ट्रेन में, तो आज का दिन देखते हैं कैसे जाएगा। तो मॉर्निंग का 8:30 AM गाइस, तो सारे लोग अभी तक सोए हुए हैं, कोई भी उठा है नहीं। तो हम भी क्या करेंगे, चलते हैं सो लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेन पे तो पेंट्री कार्ड का मैक्सिमम फैसिलिटी है ही नहीं। सुबह टी भी नहीं मिला मुझे, तो वेट करते हैं बाहर से कब ये स्टॉपेज आएगा एंड हम टी एक पिकअप करेंगे। तो गए टाइम लगभग हो गए 8:50 AM। तो अभी हमने पहुंच चुके हैं टिकुमपाटा रेलवे स्टेशन, लेकिन ये स्टेशन पे इसी का स्टॉपेज नहीं है, मे बी रोड ब्लॉकेज है इसका चलते हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अभी। तो ऑन टाइम तो चल ही रहा है ट्रेन, तो देखते हैं बरहमपुर पहुँचते मस्त कितना टाइम लगेगा मुझे। तो पूरा ब्लॉग ऐसे ही आएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मुझे ये स्टेशन पे एक चाय बिकने वाला मिल गया था एंड मैंने भी चाय भी ले लिया था गैस। एंड अब देख सकते हैं कि मैं ट्रेन के अंदर आ चुका हूँ एंड सुबह सुबह बैठ के चाय का मज़ा ले रहा हूँ। एंड देखते देखते हमारा जो ट्रेन था लगभग गुंटूर के पास पहुँच चुका था एंड टाइम लगभग हो गया था
11:50 PM AM। तो मैंने सोचा कि गुंटूर से कुछ लंच पार्सल्स पिकअप कर लेता हूँ, लेकिन गाइस गुंटूर से मुझे अच्छा खासा लंच नहीं मिला। अगर गुंटूर से मैं पिकअप नहीं किया तो नेक्स्ट स्टॉपेज जो आता है ये ट्रेन का विजयवाड़ा। तो फिर देखते हैं विजयवाड़ा जब आएगा, लगभग करीब 1:30 PM पे आएगा। तो विजयवाड़ा से कुछ खाना पिकअप करने का प्लानिंग कर रहे हैं हम। ये ट्रेन का जो एक डिसएडवांटेज मुझे लगा कि ट्रेन पे कुछ भी पेंट्री कार्ड नहीं है। आप अगर 25-28 आवर्स जर्नी कर रहे हैं तो कम से कम पेंट्री कार्ड तो रहना चाहिए गाइस, लेकिन ये ट्रेन के वही फैसिलिटी नहीं है। एंड बाहर से भी मैक्सिमम पीपल्स नहीं आ रहे हैं कि कुछ बिकने के लिए, तो आपको ये ट्रेन पे कम से कम चाय लंच कुछ भी फैसिलिटी देखने के लिए नहीं मिल रहे। ऐसे चाय कभी का नहीं, कम से कम पानी तो मिलना चाहिए, लेकिन पानी भी नहीं मिलेगा गाइस। तो अगर ये ट्रेन पे आप सफ़र कर रहे हैं, अगर कभी भी करने के लिए चाहते हैं, तो पहले से ही घर से आपको सारे कुछ चीज़ पार्सल करना चाहिए। एंड ऐसे ही चल रहेगा ये सफ़रनामा। देख सकते हैं कि देखते देखते भी टाइम हो गया था, एंड अभी हमारा जो ट्रेन है कम से कम विजयवाड़ा नियर बाई होने वाला है। तो देखिए एंड अभी ये जर्नी को एंजॉय कीजिए गाइस। तो फ्रेंड्स टाइम लगभग हो गया है 2 PM एंड हमारा ट्रेन अभी विजयवाड़ा से रवाना हो रहा था। एंड मैंने ट्राई किया कि विजयवाड़ा से कुछ अच्छा खासा लंच पिकअप करने के लिए, लेकिन गाइस विजयवाड़ा से भी मुझे अच्छा खासा लंच नहीं मिला। तो मैंने स्नैक्स और कुछ फ्रूट्स लेके ही ट्रेन पे आ गया। एंड अभी देख सकते हैं कि गाइस विजयवाड़ा क्रॉस करने के बाद हमारा ट्रेन जो ये था गोदावरी रिवर क्रॉस करते हुए जा रहा है। एंड ये जो गोदावरी रिवर आता है कि गाइस विजयवाड़ा एंड राजामंडी का बीचों बीच आता है। देख सकते हैं कितना बड़ा नदी, कितना सुंदर सा व्यू, देखिए एंड एंजॉय लीजिए गाइस। तो गाइस देखते देखते टाइम हो गया है 5 PM एंड हमने अभी पहुंच रहे थे राजामंडी। एंड राजामंडी में 5 मिनट्स का ब्रेक करने के बाद अभी मैंने सोचा था कि इधर से कुछ स्नैक्स पिकअप कर लेता हूं। एंड फाइनली इधर से मैं स्नैक्स कुछ पिकअप किया एंड पिकअप करने के बाद ट्रेन पर आ गया था। अभी जैसे देख सकते हैं कि राजामंडी होने के बाद अभी ये हमारा जो ट्रेन था सामलकोट होते हुए अभी जा रहे हैं भाईजाग के साइड। तो भाईजाग का जो टाइम है गाइस तो उसी का 7 PM है लगभग। तो अभी जो प्लान है तो 7-8 PM के बीचों बीच ये ट्रेन जाएगा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम से हम डिनर कुछ पिकअप करते हैं, फिर जाके डायरेक्टली ब्रह्मपुर तक चले जाएंगे। अगर मैं बात करूँ ये ट्रेन का कॉस्टिंग, तो गाइस KSR बेंगलुरु से जो पुरी का जो कॉस्टिंग रहता है 3rd AC टोटल ईयर ट्रेन, तो 3rd AC पे चलता है गाइस, तो 1125 रुपीज़ कुछ रहते हैं। तो मुझे जो KSR बेंगलुरु यशवंतपुर से ब्रह्मपुर का जो कॉस्टिंग था लगभग 1100 का कॉस्टिंग था। हाय फ्रेंड्स, तो टाइम लगभग हो गया नाइट 12 AM। तो अभी पहुंचने वाले हैं हमने ब्रह्मपुर में। तो नेक्स्ट स्टॉप जो ब्रह्मपुर है एंड ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैं तो सेटअप हो चुका हूँ। देख सकते हैं कि सारे कोर्स में सारे पीपल्स पूरा तैयार में चल रहे हैं एंड अपना लगेज भी पूरा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो उतरेंगे अभी ब्रह्मपुर में, फिर देखते हैं घर तक पहुँचने का जर्नी कैसे होगा। तो फ्रेंड विशाखापट्टनम टू ब्रह्मपुर जो 5 घंटे का जर्नी था गाइस, तो ये बीच में मेरा एक अच्छा खासा दोस्त बन गया था।
एंड हमने पूरा बात करते करते लगभग 8 PM टू पूरा 12 बजे तक मतलब ब्रह्मपुर पहुंच गया मैंने गैस। तो पूरा बात करते करते मैं कब ब्रह्मपुर आ गया मुझे पता नहीं चला। फाइनल मोमेंट्स ट्रेन से उतरने के टाइम पे दुख आ रहा था क्योंकि दोस्त लोग को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मन पे खुशी आ रहा था क्योंकि इतना दिन के बाद अभी मैं अभी घर लौट रहा हूँ। तो चलते हैं, अभी चलते हैं वेटिंग रूम पे, क्योंकि अभी जो मेरा नेक्स्ट बस है मॉर्निंग का 4 AM पे, तो अभी मुझे 3 आवर्स यहीं पे रहना है गाइस। तो दे सकते हैं वेटिंग हॉल का कुछ व्यू इसी टाइप का था। एंड ब्रह्मपुर का जो स्टेशन से गाइस, ब्रह्मपुर स्टेशन का आउटर व्यू मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ब्रह्मपुर स्टेशन का आउटर व्यू कुछ इसी टाइप का देख रहा है। तो फाइनली गाइस मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था यशवंतपुर टू ब्रह्मपुर, तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अभी चलते हैं, टाइम हो गया मॉर्निंग का 3:30 AM। तो चलते हैं अभी बस स्टॉप, देखते देखते अभी मैं बस में जाने के लिए ऑटो में आ चुका हूँ। एंड अभी आके ब्रह्मपुर जो बस स्टॉप है इसमें अभी पहुँच भी चुका हूँ। एंड ये था ब्रह्मपुर बस स्टॉप, मुझे ये जो बस में जाना था अभी घर तक। एंड ब्रह्मपुर टू मेरा जो नेटिव है गैस, तो लगभग 70 किलोमीटर से, तो फिर से मुझे लगेगा 2 आवर्स ये बस में। मॉर्निंग का 4 AM अभी ये बस छोड़ेगा एंड मैं अभी जाके घर में पहुंच जाऊंगा मॉर्निंग का 6:30 AM पे। तो इसी टाइप का कुछ था गैस। तो देखते देखते अभी मैं ब्रह्मपुर से भी निकल चुका हूँ गैस। तो फाइनली हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था बेंगलुरु टू ब्रह्मपुर, एंड ब्रह्मपुर टू भी अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो एक्साइटमेंट है मन पे क्योंकि बहुत सारा काम करना है मुझे घर पे जाके, एंड बहुत सारा प्लानिंग है तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। एंड ये भी जो छुट्टी का बीच में मैंने आया हूँ छुट्टी लेके, तो ये जो प्लानिंग भी मैं कुछ किया हूँ उसी का भी ब्लॉग आपको बैक टू बैक आएगा। तो वीडियो में बने रहना चाहिए गाइस। तो चलते हैं, वीडियो इसी को इधर ही एंड करते हैं गाइस। तो फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ न्यू ब्लॉग में, तब तक आप मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। डायरेक्टली मैं अभी जाके पहुँच जाऊँगा घर पे गाइस। तो मैं चलता हूँ, स्मृति रंजन, बाय बाय।